तो वाले कैसे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलो क्रिकेटर। सो गाइस आज का ये वीडियो लिटरली एक पूरे क्रिकेट बिगिनर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाउ टू वियर अ क्रिकेट किट। तो गाइस जब आप अपने क्रिकेट जर्नी को स्टार्ट करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिकेट किट को वियर करना। सो आज के इस वीडियो में लिटरली प्रोफेशनली वे बताने वाला हूं जिससे आप क्रिकेट किट पहन सकते हो। वैसे गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं जरूर जरूर चेकआउट करना। वैसे गाइस यार क्रिकेट किट पहनना किसको नहीं आता, आता तो बहुत कोई को है, बट वो गलत तरीके से पहन लेते हैं। तो कोई अपने पैड को गलत पहन लेते हैं जिससे उनको रनिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, स्टार्स लेने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा जिससे आप क्रिकेट किट पहनोगे जिससे वो खेलने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगी और अच्छे से आप खेल पाओगे, अच्छे से रनिंग कर पाओगे। सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं, शुरू से वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर चेक करो, मजा तो आने ही वाला है गाइस। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, 500 लाइक्स की वीडियो के नीचे 500 लाइक्स से कंप्लीट करा देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग बहुत ही करीब 100 के सब्सक्राइबर की तरफ। तो चलिए आज के इस वीडियो का प्रारंभ कर ही लेते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन लोग नीचे से। अपन लोग के पास पहले तो ये वाला स्लॉट खोलते हैं गाइस यार। हम लोग पहले पहनेंगे शूज। और भाई शूज पहनने से पहले भाई एक बात जरूर से जरूर ध्यान रखना भाई, पहले आपको सपोर्टर पहनना है। जब भी आप क्रिकेट किट खरीदने जाओगे तो भाई आपको वहाँ पे सपोर्टर जरूर से जरूर मांगना है, ये सपोर्टर और एब्डो गार्ड दे दो, वो पहले पहनना है। मैं तो पहन लिया हूँ भाई, अब मैं शूज पहनता हूँ गाइस यार। तो हमारी शूज रही, तो आपको शूज पहनने तो आता ही है, तो यार प्रोफेशनली तरीके बताऊंगा। और भाई शू के अंदर भाई सॉक्स जरूर से जरूर पहनना, कभी विदाउट सॉक्स शूज पहन के कभी क्रिकेट मत खेलना, क्रिकेट कोई फैशन की चीज नहीं है। तो भाई पहले जल्दी से पहन लेते हैं। और भाई ट्राई करो कि अच्छे सॉक्स पहनो, कोई पतला सॉक्स होते वो सब मत पहनो, वो सब पहनो तो जल्दी इंजरी भी हो सकती है। और गाइस यार थोड़ी मोटे सॉक्स पहनो, अगर किसी गड्ढे में पैर गया तो वो थोड़ी सी कंफर्ट के कारण आपको आपकी इंजरी से बचा सकती है। भाई अभी तो मैं शूज पहन लिया भाई, अब इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर होती है क्रिकेट पैड भाई, यही सबसे मेन तरीका आप क्रिकेट पैड को आप कैसे वियर करते हो, कैसे पहनते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं पहनोगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्टीज हो सकती है, जैसे आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी, रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ हो सकता है। सो गाइस ये हमारी पैड है, तो भाई पहले दोनों पैड को निकाल लेता हूँ। जैसे ये है, अगर मैं इसको पहनूंगा इस साइड, इसकी स्ट्रैप की एंडिंग अंदर की तरफ होगी तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसको ट्राई करो कि ये स्ट्रैप की एंडिंग बाहर की साइड हो, तो आपको इस पैर में पहनना होगा। तो जल्दी गाइस मैं पहन लेता हूँ इसको ऐसे ऐसे। सो गाइस ये देखो मेरे पैर से इस पैड की स्ट्रैप बहुत ही ज्यादा लंबी है, और गाइस ये बहुत ही बेकार दिख रही है। अगर मैं बैटिंग करूंगा तो बॉल इसमें लग जाएगी, और गाइस वो बॉल वाइड भी होनी होगी तो बट वो बॉल वाइड नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे बिगिनर्स लोग पता क्या करते हैं गाइस, इसको ऐसे पकड़ते हैं, उसको ऐसे लगा देते हैं, और गाइस इसको भी ऐसे पकड़ डालते हैं। तो गाइस ये पैड बहुत ही बढ़िया से बांधा गया है, बट ये देखने में बहुत ही बेकार लग रही है, ये बहुत ही देखने में बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रही है गाइस। तो चलिए गाइस मैं आपको प्रोफेशनल तरीके बताता हूँ कैसे आप इसको पहन सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं गाइस, इसको ऐसे डालते हैं और इसको चिपका देते हैं, और ऐसे करते हैं इसको ऐसे ही डाल देते हैं, और ऐसे ही थोड़ी बेस्ट है बट उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। चलिए बताता हूँ बेस्ट मेथड अपने पैड को कैसे आप पहन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो गाइस देखो ये हमारी पैड है, तो आपको पता क्या करना है गाइस, आपको बस एक उंगली लेनी है और इस स्ट्रैप के बीच में यहाँ डालनी है, और इसको ऐसे उठाना है। देखो गाइस इतने उठा देना है, और थोड़ा सा और खींच लेता हूँ, ऐसे उठाकर उड़ गया। आपको इस यहाँ पे आपको अपनी उंगली डालना है और उसको इसको ऐसे बेंड करना है, इसको अंदर चिपका देना है, और उसके बाद इसको इस तरह चिपका देना है। देखो गाइस कितनी प्रोफेशनल ये लग रही है, उसी तरह आपको इसको भी करना है, ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे बेंड करना है, और इसको यहाँ चिपकाना है, और इसको ऐसे। और वैसे ही गाइस इसको भी मैं कर देता हूँ ऐसे और ऐसे। देखो ये कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल और कितनी अच्छी लग रही है गाइस ये पैड आपको। सो गाइस दोनों तरफ मैं अलग अलग तरीके से मैं पैड को बांधा हूँ, बट यार देखो गाइस कौन प्रोफेशनल को लग रही है, कौन बहुत ही अच्छा लग रही है। तो गाइस आप आई नो गाइस ये आपको बहुत ही अच्छा नहीं लग रही होगी, बट गाइस ये बहुत ही अच्छा लग रही होगी, और ये गाइस बहुत ही मजबूती के साथ किया हुआ है, और गाइस इसमें कभी भी आपकी स्ट्रैप जल्दी निकलने वाली भी नहीं है, और ये बहुत ही टाइटली मैंने बांधा है। इसमें होती है थोड़ी सी होगी पैरों लगेंगे तो ये निकल जाएंगे, बट ऐसा करोगे तो भाई बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है। सो जैसे अभी तो अपन लोग पैड को पहन लिए, इसे अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो गाइस हमारी थाई पैड आती है। तो गाइस यार थाई पैड बहुत की मतलब सिंगल थाई पैड होती है, मेरे पास डबल थाई पैड है, और गाइस थाई पैड को पहनना उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो मेरे पास एसएल थाई पैड है, किसी मून वगैरह जैसे थाई पैड है उसमें थ्री स्ट्रैप दी हुई रहती है। तो गाइस चलिए मैं बताता हूँ कैसे पहनते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के बीच थाई पैड में, इससे मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, तो भाई ये बड़ा वाला जो मटेरियल है गाइस यार ये
मैं लेफ्ट लेग में लगाऊंगा और जो छोटा वाला है इसको मैं राइट लेग में लगाऊंगा। तो उसके स्ट्रैप दिए हुए, बस इसको ऐसे पहनिए और ऐसे, और इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, और ये दिया हुआ है और यहाँ पे लगा दिया ऐसे। तो भाई आप पैंट के ऊपर से आप पहन सकते हो प्रैक्टिस में, बट आपको मैच में पैंट के अंदर से पहनना पड़ेगा, तो इस बात जरूर ध्यान रखें। तो मैं जल्दी से पैंट के अंदर से पहन लेता हूँ। तो अपन लोग पैंट पहन ले, थाई पैंट पहन ले, कोई अगला चीज आती है गाइस यार, ये है चेस्ट गार्ड। तो गाइस यार इसको कैसे पहनते हैं अपन लोग, और गाइस यार तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रैप को मैं निकाल लेता हूँ। गाइस यार अगर आप एक राइट हैंडेड हो तो भाई आपको इस साइड पहनना है, अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको इस साइड पहनना है, बट तो मैं राइट हैंडेड हूँ तो भाई मैं इसको लगाऊंगा इस साइड और इसको ऐसे। और गाइस मैं बहुत बार बैटिंग कर रखा है इसको लगाकर, जब मैं साइडम खेलता हूँ साइडम बॉल उठ के आती है चेस्ट लेवल पे आती है, तो गाइस यार उस मैं थोड़ी चोट से बचने के लिए प्रैक्टिस टाइम में लगा लेता हूँ। कैसे देखो भाई ऐसे कुछ लगती है चेस्ट गार्ड। तो अगला चीज़ जो आती है गाइस यार वो है आर्म गार्ड। तो भाई आर्म गार्ड कहाँ पे भाई, मिल जा नीचे रखा हुआ है, ले करता हूँ चुटकियों में। सो गाइस यार मेरे पास आ गया है गाइस यार यहाँ पे आर्म गार्ड। तो भाई इसको मैं इस हाथ से पहनता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो गया, और ये वाला साइड भी इधर में लगा दिया गाइस यार। ये मेरे को थोड़ी लूज हो गई है, नहीं लूज नहीं हुई, इधर से मैं कर सकता हूँ इसको। तो देखो गाइस यार ये हमारा आर्म गार्ड भी मैंने पहन लिया है। सो भाई जो नेक्स्ट चीज आती है गाइस यार वो है हमारा ग्लव्स। तो ये ग्लव्स पहनने से पहले भाई एक चीज जरूर से जरूर पहन लो, वो है गाइस यार अपना हेलमेट। अगर गाइस यार ग्लव्स पहन लोगे तो उसके हेलमेट की जो ये वाली स्ट्रैप है वो आपको लगाने बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप हेलमेट पहन लो, उसके बाद आराम से ग्लव्स पहन लेना। जल्दी जल्दी मैं पहनता हूँ इसे, और गाइस यार मैं ग्लव्स के अंदर एक इनर भी पहनता हूँ, क्योंकि भाई ये ग्लव मेरे को थोड़ा ढीला होती है, थोड़ा स्वेटिंग से बचाने में हेल्प करती है, तो इसलिए मैं अंदर इनर भी पहनता हूँ। अगर आपका आपके से चॉइस है कि आप इनर पहनो या नहीं पहनो, बट मैं पहनता हूँ। सो गाइस फाइनली भाई यार मैं अपना पूरा एक बैटिंग पूरा परफेक्ट पूरा फुल किट में पहन लूँ गाइस यार। ये होती है पूरे एक फुल बैटिंग क्रिकेट किट, थाई गार्ड, चेस्ट गार्ड, लेग गार्ड, भाई सभी कुछ, ये पूरा फुल किट है भाई, इसमें कुछ भी चीज़ अभी छूटा नहीं है। अब गाइस आप पूरे लेदर बॉल को खेलने के लिए तैयार हो। अभी मेरे पास एक चीज़ मिसिंग है, सबसे बड़ा वीपन अपना वो है क्रिकेट बैट, वही चीज़ ही हमारे पास नहीं है अभी। वही अपन लोग यार जल्दी से निकालते हैं। तो गाइस यार देखो भाई हमारा फाइनली पूरा फुल किट हो गया है, अच्छे से आप स्टार्ट हो, अच्छे से आप रनिंग कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। सो गाइस अब चलते हैं कुछ बॉल्स खेलते हैं। सो गाइस आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से जरूर बताना। इस वीडियो में लिटिल में छोटी छोटी बात को बड़ी से बड़ी तरीके से समझाने की कोशिश की गाइस यार। आई नो गाइस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने क्रिकेट किट को पहनने आ गया होगा। भाई बहुत सारे लोग थाई पैड को पैड को भाई बहुत ही गलत तरीके से पहनते हैं, तो भाई उसे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। जो भाई अनप्रोफेशनल तरीके से जो भी अपने पैड को पहनते हैं उसे एक बार इस वीडियो को जरूर से उसके पास शेयर कर दो, और उसे बता दो कि ऐसे पहनते हैं सही तरीके से एक क्रिकेट पैड। अगर आप एक बिगिनर क्रिकेटर हो तो भाई हमारे चैनल बहुत सारे क्रिकेट से जुड़े वीडियोस हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है, तो उसे एक बार जरूर से चेकआउट करना। और भाई हमारे चैनल फ्यूचर में बहुत सारे क्रिकेट के वीडियोस आने वाली है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही वीडियो को बहुत सारे क्रिकेट से जुड़े वीडियोस आने वाली है और पहले से है भी, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। वैसे इस वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को लाइक करते 500 लाइक्स की वीडियो, 500 लाइक्स कंप्लीट करा दो। सो आपको हमारी वीडियो का कमेंट में जरूर से जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।